खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अहरोला से कप्तानगंज जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। सड़क और क्षतिग्रस्त पुल को लेकर आज 26 अक्टूबर को समाजसेवी लक्ष्मी चौबे द्वारा आज पुनः भूख हड़ताल की गई है। बता दें कि जिस पर चलना मुश्किल हो गया है कि फिर लोग चलने को मजबूर है। ग्रामीणों की बात करें तो इस रोड और पुल पर चलने से उनकी रूह कांप जाती है। सैकड़ों गड्ढे मौत की दावत देते हैं, फिर मरता क्या क्या नहीं करता। पेट की भूख अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को घरों से निकलने पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि शीघ्र ही सड़क और पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। वहीं अहरोला से कप्तानगंज जाने वाली जर्जर सड़क के बारे में बताया कि यह सड़क कई वर्षों से टूटी है। इस साल अत्यधिक बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव के कारण सड़क के गड्ढे में तब्दील हो गए, जिस पर चलना राहगीरों के लिए मुश्किल भरा कदम है। इतना ही नहीं, जिसको लेकर ग्रामीण आज भूख हड़ताल करने को बाध्य हो गए हैं। इतना ही नहीं, समाजसेवी लक्ष्मी चौबे ने घोषणा कर दी कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आ जाते, हम सभी लोग अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रातः 9 बजे से समाजसेवी लक्ष्मी चौबे के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर क्षेत्र के लोग बैठे हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विषयपुर के प्रधान शक्ति प्रताप सिंह, अजय सिंह, संग्राम यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम निषाद, महेंद्र यादव, राजकुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। समाजसेवी लक्ष्मी चौबे, यही सड़क और पुल के लिए हम यहाँ भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है, ये अहरोला कप्तानगंज मार्ग है और विषयपुर शारदा सहायक खंड 32 की नहर का पुलिया है। पुलिया तो लगभग 15 वर्षों से जर्जर पड़ी थी, लेकिन एक साल पहले उसको तोड़ दिया गया। यानी भूख हड़ताल किए तो जाके तोड़ दिए, बोले कि 2 महीने बाद काम, मार्च महीने तक काम चालू हो जाएगा। लेकिन मार्च के बजाय सालों साल बीत गया, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और जो कि वहाँ क्रय केंद्र भी है, गन्ना क्रय केंद्र भी है, गन्ना क्रय केंद्र के वजह से लोगों को घूम करके आना पड़ता है। जो 500 रुपये में भाड़े में काम होने वाला था, वो आज 2-2 हज़ार रुपया लोगों को लगता है किसानों का। और दूसरी बात है कि ये अहरोला रोड से फूलपुर के लिए सीधा रास्ता है, मात्र 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। करोड़ों लागत से अभी हाल में ही 1.5 साल पहले बना है, सड़क बनी है, करोड़ों लागत लगा करके, लेकिन आज निरर्थक हुआ है। कहने का मतलब ये 12 किलोमीटर की जगह हमको 30-35 किलोमीटर दूरी तय करके फूलपुर जाना होता है, और जिले को भी जोड़ती है, जिले की सड़क को भी जोड़ती है। और दूसरी बात है कि ठीक है, मान लीजिए पुल टूटा है तो आप क्या करना चाहते हैं, अंतर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि डीएम साहब आवे, मौके पर इसको देखें, क्योंकि अब तक हम बहुत धरना प्रदर्शन कर चुके, बहुत परेशान हो चुके, जनता यहाँ परेशान है। आकर के छोटे कर्मचारियों से आप नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आकर के आश्वासन दे करके गए, 2-2 बार भूख हड़ताल हुआ, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। तो हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक 2400 घंटे आमरण अनशन हमारा है, आमरण अनशन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम यहाँ से जनता का हमको बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। जनता का कहना है कि अगर ये सड़क और पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। यहाँ के सांसद विधायक जो है निरर्थक है, जो भी हुए हैं आज तक कोई कदम नहीं, क्षेत्र को कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे नेताओं की हमको जरूरत नहीं है। कहीं आपका विधानसभा पे निशाना तो नहीं है, विधानसभा आप लड़ने वाले हैं? नहीं, विधानसभा हमको नहीं लड़ना है, नहीं हमको विधानसभा नहीं लड़ना है, विधानसभा हमको नहीं लड़ना है, राजनीति नहीं करनी। नहीं, राजनीति तो करेंगे ही, राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन विधानसभा अभी नहीं लड़ना है, आगे चल के हमारी तैयारी रहेगी, हाँ, जनता की भलाई के लिए।